फाइनली गाइज, टिकटॉक इंडिया में बैन हो चुका है। टिकटॉक जैसे प्ले स्टोर पर कई सारे एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है और जितने भी टिकटॉक यूजर्स हैं कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहे हैं। कुछ टिकटॉक यूजर इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, कुछ टिकटॉक यूजर रुपोसो ऐप यूज कर रहे हैं और इसी बीच में टिकटॉक जैसा एक एप्लीकेशन और लॉन्च हो चुका है, टिकटॉक प्रो। ये एप्लीकेशन बताया जा रहा है कि मेड इन इंडिया है। तो इस एप्लीकेशन की क्या पूर्ण सच्चाई है, इसी के बारे में जानने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जैसा कि आप लोगों को पता है, टिकटॉक के साथ साथ इंडिया में 59 ऐप्स को बैन कर दिया गया है। 59 ऐप्स को इंडिया में क्यों बैन किया गया, इस टॉपिक से मैंने एक और वीडियो बना चुका हूँ। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में वीडियो का लिंक मिल जाएंगे, तो जाकर देख सकते हैं। इसके बाद एक एप्लीकेशन और काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, टिकटॉक प्रो एप्लीकेशन। ये अभी आप प्ले स्टोर पे सर्च करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन ये एप्लीकेशन वायरल कैसे हो रहा है, इस एप्लीकेशन के बारे में कुछ इस तरह से आपके मोबाइल फोन में मैसेज आएंगे या फिर व्हाट्सएप के द्वारा या फिर कई सारे सोशल मीडिया के द्वारा इस लिंक को शेयर किया जा रहा है और बताया जा रहा है मेड इन इंडिया एप्लीकेशन है। आप देख भी सकते हैं मैसेज यहाँ पे मेड इन इंडिया एप्लीकेशन है, टिकटॉक प्रो। इस एप्लीकेशन लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और बिल्कुल आसानी से इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं, जो कि सेम टिकटॉक एप्लीकेशन की तरह ही है। इस एप्लीकेशन के काफ़ी तेज़ी से फॉर्मेट किया जा रहा है। इसलिए फॉर्मेट किया जा रहा है क्योंकि आप लोगों को पता होगा टिकटॉक हमारे इंडिया में बैन हो चुका है और जितने भी टिकटॉक यूजर हैं ज़्यादा परेशान है, वो सोच रहे हैं टिकटॉक जैसा कोई सेम एप्लीकेशन आ जाए इंडिया का जो हम यूज कर सके। यहाँ पे कई सारे एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है इंडिया का लेकिन वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। इसलिए रोपोसो ऐप हो गया, चिंगारी ऐप हो गया, तो उसमें भी कई सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं जो प्रॉब्लम फिक्स नहीं हो पा रहे हैं। इस जो ये जो मैसेज है काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। ये जो लिंक जो है ये आपको फेक लिंक है। यदि आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं जो कि बताया जा रहा है एक टिकटॉक प्रो एप्लीकेशन है, यदि लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका जो मोबाइल फ़ोन में यूट्यूब चैनल बना रखे है या फिर उस मोबाइल नंबर से आपका बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट पे जो बैलेंस है वो भी हैक हो सकता है। यानी कि जितने डॉक्यूमेंट होगा, प्राइवेट डाटा होगा, सारे के सारे हैक हो सकता है। तो आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, यदि आपको इस तरह के मैसेज आते हैं व्हाट्सएप के द्वारा या फिर डायरेक्ट किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से आपके मोबाइल फ़ोन में टेक्स्ट मैसेज आते हैं, तीन इस तरह के लिंक पर क्लिक न कीजिए। यदि आप क्लिक करेंगे तो ये आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है और ये जो मैसेज है काफ़ी तेज़ी से फॉर्मेट भी किया जा रहा है। बस यही आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि टिकटॉक प्रो एप्लीकेशन के नाम से जो मैसेज को फॉर्मेट किया जा रहा है, ये एप्लीकेशन या फिर ये लिंक जो है बिल्कुल फेक लिंक है। यदि आप क्लिक करते हैं, इंस्टाग्राम आईडी होगा या फिर यूट्यूब चैनल में अगर उसे लॉगिन कर चुके हैं या फिर आपके उस नंबर मोबाइल नंबर से अगर बैंक अकाउंट अगर लिंक है या फिर आपके मोबाइल फ़ोन में कुछ पर्सनल डाटा है तो वहाँ से आपको लिंक हो सकता है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल शैलेंद्र चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि आप लोगों को किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।